गुड मॉर्निंग स्टूडेंट चैप्टर फोर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स स्टडी कर रहे हैं और इसके टू पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स और इसमें हमने स्टडी किया था अपेयरेंस आज हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हार्डनेस को स्टडी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट वैन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ यूर हैंड जब आप अपने हैंड से डिफरेंट मटेरियल्स को प्रेस करते हैं दबाते हैं सम ऑफ देम मे वी हार्ड टू कंप्रेस उनमें से कुछ क्या होते हैं उनको कंप्रेस करना क्या होता है हार्ड होते हैं वाइल अदर कैन बी ईज़िली कंप्रेस्ड लेकिन उनमें से कुछ क्या होते हैं ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं टेक अ मेटल की आपको क्या लेना है एक मेटल की की लेनी है एंड टेक ट्राई टू स्क्रेच विथ इट और उससे क्या करना है आपने स्क्रेच करना है किसको स्क्रेच करना है द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड एक लकड़ी के टुकड़े को एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को अ पीस ऑफ स्टोन एक पत्थर के टुकड़े को अनिल को कैंडल चौक एंड अदर मेटेरियल और ऑब्जेक्ट इसके अलावा जो अदर मेटीरियल आपके चारों ओर प्रेजेंस हैं आपने क्या करना है और सबको आए uh, जो नी है सॉरी uh, की है मेटल की उसे स्क्रैच करना है यू कैन ईजिली स्क्रेच सम मटेरियल आप क्या कर पाते हैं कुछ मटेरियल्स को आप इजीली स्क्रेच कर पाते हैं वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रेच स्क्रेच सो इजीली जबकि कुछ को हम ईजिली स्क्रेच नहीं कर पाते हैं materials which can scratch so easily are called soft ऐसे materials जो क्या होते हैं easily compress हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है soft बोला जाता है ठीक है वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है उन्हें क्या बोला जाता है हार्ड बोला जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन और स्पंज इज़ सॉफ्ट है कॉटन और स्पंज क्या होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है आयरन इज़ हार्ड जबकि आयरन जो है वो क्या होता है हार्ड होता है इन अपेयरेंस मैट है कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लश्चर हार्डनेस रफ और स्मूथ अगर हम अपेरेंस की बात करें मटेरियल्स की तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे चमक होती हैं उनमें वो हार्ड हो सकती हैं वो रफ़ हो सकती हैं उनका सरफेस रफ हो सकता है या स्मूथ हो सकते हैं कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब और अपेरेंस ऑफ अटीरियल क्या आप ऐसे कुछ और प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं जो मेटल मेटेरियल की अपेयरेंस को शूगर हैं नेक्स्ट इज सॉलेबल और इन ये एक प्रॉपर्टी है मेटेरियल्स की जिसको देखते हैं एक्टिविटी फोर के साथ कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सॉलिड्स सब्सटेंस सच है सुगर सॉल्ट चॉक पाउडर सैंड एंड सोडस्ट आपने इन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना है टेक फाइव ग्लासेस और फाइव ग्लासेस भी लेने हैं और बीकर्स या फिर बीकर्स लेने हैं फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट टू थर्ड विथ वाटर और इनको टू थर्ड पार्ट में इनके वाटर से इन्हें फिल कर देना है एड ए स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ सूगर टू द फर्स्ट ग्लास सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस इन टू द अदर ग्लासेस आपने क्या करना है जो आपने फाइव बी बीकर या ग्लास ले रखे हैं उनमें स्मॉल अमाउंट में लगभग वन टी स्पून आपने क्या करना है फर्स्ट में शूगर सेकेंड में सॉल्ट थर्ड में चौक पाउडर सॉ डस्ट ऐसे आपने क्या करना है सारे फाइव ग्लासेस में एक एक मटेरियल जो कलेक्ट किया उसे डाल देना है स्टेयर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून अब आपने क्या करना है कि स्पून की हेल्प से उनको क्या करना है स्टेयर हिला लेना है वेट फॉर फ्यू मिनट्स और कुछ मिनट का इंतज़ार करना है ऑब्जर्व वट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर अब आपने क्या करना है ऑब्जर्व करना है कि जो सब्सटेंस आपने कलेक्ट किया था ऐड किया था वाटर में उसमें क्या हो रहा है नोट यर ऑब्जर्वेशन एस इन टेबल फोर पॉइंट थ्री में उसे आपने उस ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर लेने यहाँ पर आपको टेबल फोर पॉइंट थ्री दे रखी है मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर सब्सटेंस है वन साइड में और दूसरे में क्या ऑब्जर्वेशन है डिसपेयर इन वाटर डज नॉट डिसर सॉल्ट सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये क्या हो जाता है सॉल्ट डिसपेयर कंप्लीटली इन वाटर वाटर में क्या होता है पूरी तरीके से खुल जाता है सुगर सुगर भी डिसपेयर हो जाता है सैंड डज नॉट डिसअपेयर चौक पाउडर डज नॉट डिसअपेयर सो डस्ट डज नॉट डिसअपेयर यू विल नोटिस दैट समस है कम्प्लीटली डिसपेयर और डिज़ोल्व इन्वर्टर आपने क्या देखा कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं डिसपेयर हो जाते हैं और या फिर घुल जाते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं इन्वर्टर वी से देट दी सबस्टेंस आर सॉलिबल इन वाटर हमें ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं ये सॉलेबल हैं किसमें वाटर में अब अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज सब्सटेंस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं और अगर हम उन्हें बहुत लंबे समय तक भी स्टेयर करते रहें हिलाते रहें फिर भी वो या डिसॉल्व नहीं होते वाटर में तो उन्हें क्या बोला जाता है इनसॉल्यूबल इन वाटर बोला जाता है आगे देखिए वाटर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी हमारे बॉडी के अंदर भी वाटर क्या करता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज इट कैन डिज़ोल्ब अ लार्ज नंबर ऑफ सब सब्सटेंसेज क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने में वाटर हेल्पफुल होते हैं डो लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्ब इन वाटर क्या लिक्विड भी वाटर में डिज़ोल्व होती हैं या शा होती हैं डिज़ोल्वर जैसे हम क्या करते हैं जिसे हम वाटर में सॉरी uh, जूस में वाटर मिलाते हैं तो हमें पता नहीं चलता वाटर और जूस अलग अलग नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं जैसे ऑयल है ऑयल को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ऑयल है वाटर के अपर सरफेस में कलेक्ट हो जाता है ठीक है एक्टिविटी <laughs> फाइव कलेक्टेड सैंपल्स ऑफ विनीगर लेमन जूस मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल केरसोइन और अदर लिक्विड्स आपने ये सारे लिक्विड्स के सैंपल्स को कलेक्ट करना है टेक अ ग्लास टम्बलर अप ऑफ हाफ विथ वाटर आपने उसे हाफ वाटर से कर लेना है एड फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टेयर इट वेल आपने क्या करना है इनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच के अमाउंट में लेना है और लिक्विड में मिक्स करना है उसे हिला लेना है लेट इट स्टैंड फॉर फाइव मिनट अब आप उसे फाइव मिनट तक रख करके छोड़ देंगे फिर ऑब्जर्व करेंगे वेदर द लिक्विड मिक्स द वाटर रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स अब आपने जैसे सारे लिक्विड्स के साथ इसे रिपीट करना है एज मैनी मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू जितने भी लिक्विड्स आपके पास मौजूद हैं उन सबको आपने क्या करना है उन सब के साथ ये प्रोसेस आपने करनी है राइट यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल फोर पॉइंट फोर और टेबल फोर पॉइंट फोर में आपने क्या करना है इस ऑब्जर्वेशन को लिख लेना है जैसे पी नहीं वो मिक्स वेल well डज नॉट मिक्स अगर हम बात करें तो अच्छे से मिक्स हो जाता है मिक्सड वेल लेमन जूस भी मिक्सड वेल मस्टर्ड ऑयल डज नॉट मिक्सड कोकोनट ऑइल डज नॉट मिक्स केरोसिन डज नॉट्स वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर हमने क्या नोटिस किया हमने नोटिस किया कि कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जा रहे हैं सम अदर डज नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम और कुछ ऐसे लिक्विड्स भी हैं जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं वो एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं वाटर के अपर सरफेस में अगर उनको कुछ टाइम तक हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो ठीक है सम ग्लास सॉरी सम गैसेज आर सॉलेबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट ऐसी अगर हम गैसेस की बात करें गैसेज वाटर में सॉलेबल होती हैं या नहीं होती हैं तो कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो वाटर में सॉलेबल होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉलेबल नहीं होते हैं वाटर यूजली हैज़ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सम गैसेज डिजॉलनेट और वाटर में क्या होता है कुछ अमाउंट में गैसेस पहले से ही घुली हुई रहती हैं डिजॉल्वर रहती हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्ब इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर जैसे एक एग्जांपल है वाटर में जितने भी लिविंग बींग्स जो रहते हैं उनको गैस ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करके आ, जो लिविंग बींग्स होते हैं वाटर के अंदर प्लांट्स में जैसे फाइटोफलेंगटॉन जू पलेंगटॉन जिन पे डिपेंडेंट जो फिशेस रहती हैं वो सब कहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलती है जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है वाटर के अंदर ठीक है तो थर्ड पार्ट इस चैप्टर का यहीं पर कंप्लीट होता है इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू